से और प्रेम की खाल में छुपा बलात्कारी इससे सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आता है। ये किसी दैत्य सा किसी मोड़ पर खड़ा रहता है जो उसे डराता है। वास्तव में ऐसा अपराध नहीं जो अपराधी को ज्यादा अपराधी ठहराए, वरन ये लड़कियों के हिस्से में सबसे ज्यादा बुरे रूप में आता है। लड़कियों को एक तरह से समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता रहा है और ऐसे में अपराधी को कितनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए ये तय नहीं सूझता। यहाँ तक कि भारत की न्याय व्यवस्था जघन्य अपराधों की सजा देने में 7 से 8 साल लगा देती है, जिसके कारण मन में एक रोष व्याप्त हो जाता है। लेखिका एक इंटरव्यू में बताती है कि भली या बुरी लड़कियां जैसी कोई परिभाषा ही नहीं होती, बल्कि उन्हीं परिभाषाओं के दायरे को समझने और तोड़ने की कोशिश में शायद ये किताब बन गई। ऐसी कोई परिभाषा बनाई ही नहीं जानी चाहिए। और वाकई जिन लड़कियों को भला या बुरा कहकर समाज वर्गों में बांटता है, उपन्यास पूरा होते होते उन्हीं लड़कियों को लेकर ये विश्वास हो जाता है कि उनका बुरा होना इस समाज की भलाई के लिए किस कदर जरूरी है और भला होना फिलहाल कितना गैर जरूरी है।